नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरे जी जान से लगे हुए होंगे और 4 जून 2022 को पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बेहतरीन परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशु मित्रम परिवार की ओर से पशु प्रजनन या एनिमल रिप्रोडक्शन की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है, जिसका लिंक यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ जाके आप लोग उसको खरीद सकते हैं, फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। उससे पहले अपन ने पशु प्रबंधन का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है। उसके अलावा वेटनरी मेडिसिन की बुक भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। सभी के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन पशु प्रजनन विषय के ऊपर। पशु प्रजनन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है अपने एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको सही कैसे करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके बारे में आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। और जो लोग नए हैं अपने चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, तो शुरू करते हैं पशु प्रजनन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ देखिए, एनिमल रिप्रोडक्शन की अपनी बुक में सबसे पहले सामान्य शब्दावली दी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, जैसे वेटनरी गायनेकोलॉजी है, वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स है, एंड्रोलॉजी है, इनफर्टिलिटी या अस्थायी बांझपन है। अब देखिए, इनफर्टिलिटी और स्टरिलिटी दो चीज़ें होती है, दो टर्म्स है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है अस्थायी बांझपन। जब किसी प्राणी में जनन तंत्र की किसी बीमारी या किसी प्रकार की व्यवधान के कारण कुछ समय के लिए अस्थायी बांझपन आ जाता है या उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उस दशा को अपन क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जबकि जो स्टेरिलिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, उसकी जनन क्षमता पूर्णतः ही खत्म हो जाती है। तो दोनों में अपने को अंतर यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, विभिन्न प्रकार के जो इन्फ्लामेशन होते हैं, शोथ होते हैं जनन तंत्र से संबंधित, उनकी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। वेजिनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, एंड्रोमेट्राइटिस है, उसके अलावा प्रीमेच्योर बर्थ क्या होता है, गर्भपात क्या होता है, अबोर्शन क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या है, बायोमेट्रा क्या है, रिपीट ब्रीडर किसे कहेंगे, नली पैरा क्या है, प्राइमी पैरा क्या है, यूनी पैरा क्या है, मल्टी पैरा क्या है, हाइड्रोएलेंटोइस क्या है, हाइड्रोएमनियन क्या है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिभाषाएँ अपनी बुक में दी गई है। उसके बाद में देखिए, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, यौवन आरंभ। जीवन की व्यवस्था जब पशु के जननांग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा पशु द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है व्यवस्था, इसकी जगह क्या है, अवस्था है ये, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है। अवस्था, जब पशु के जननांग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाए तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। विभिन्न पशुओं में प्यूबर्टी की जो एज होती है वो अलग अलग होती है। कितनी कितनी होती है, यहाँ पे देखिए, सभी पशुओं के लिए प्यूबर्टी की एज अपने को यहाँ पे दी गई है। विभिन्न पशुओं के यौवन आरंभ की उम्र यहाँ पे दी गई है, जहाँ से अपने एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से पशु में यौवन आरंभ की जो उम्र है वो क्या होती है। तो इस प्रकार से अपनी जो ये बुक है, बहुत सही तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। पूरी सारगर्भित तरीके से संपूर्ण जानकारी इसमें संकलित करने का प्रयास किया गया है। तो टोटल इसमें देख सकते हैं आप, टोटल 90 पेज हैं इसमें, टोटल 90 पेज हैं अपनी बुक में, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। तो इसमें पूरी जानकारी समाहित है। तो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को निश्चित रूप से ये बुक खरीदनी चाहिए और इसको एक बार पढ़ना चाहिए। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो उन सभी के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।